बलूचिस्तान। हाकिम नवाब के घर पर उतरी शाम बासी होकर रात में बदल रही थी। आसमान पर सितारों का गोल से मिटाया था। घर के अकबी सहन में बैठी जीनिया दो जानू होकर जमीन पर बैठी थी। उसके सामने स्याह रंग का एक कुत्ता बैठा था। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उसके आगे डालती वो किसी और ही जहां में थी, जब किसी इंसानी कदमों की आहट उसे अपने करीब महसूस हुई। यकदम दिल सुकड़ कर फैला था। वो इस आहट को पहचानती थी। मसला उस आहट से नहीं था, मसला उससे जुड़ी बातों से था। तो मुझे सलाम करने नहीं आई? पुरकशिश मर्दाना आवाज उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई। जिनिया ने आंखें बंद करके खोली थी। सुनहरी आंखों में बेजारी सी थी। मैंने आपको आते नहीं देखा। नब्बे तुले अल्फाज, सादा लहजा। लेकिन मैंने तो तुम्हें मुझे देखते हुए देखा था। आपको गलतफहमी हुई होगी। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। तुर्की पर तुर्की पूछा गया। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत भला। उठ खड़ी हुई थी। अपने सामने खड़े बलाज मीर की आंखों में देखते हुए उसका लहजा जरा सा भी नहीं गड़बड़ाया। बलाज मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। खानदान के वजी मर्दों में से एक, साफ रंगत, लंबा चौड़ा कद, मजबूत जिसामत, पढ़ा लिखा लड़का। अगर वो खानदान की किसी लड़की से ठहर कर बात भी कर ले तो लड़कियां उसे खुशकिस्मती गिरदानती थीं। तुम्हें कुत्ते पसंद है? उससे मौजू बदला। मुझे कुत्तों से नफरत है, वो जमीन को देखते हुए बोली थी। फिर खाना देने का मकसद? वो मुसलसल मुस्कुराते हुए सीनिया को देख रहा था। उसकी नजर किसी भी लड़की को गैर आरामदेह कर सकती थी। सीनिया ने इतराफ किया। हर बात के पीछे मकासद नहीं होते बलाज भाई। जुबान काबू करो लड़की, भाई नहीं हूं तुम्हारा। उसकी आवाज में नागवारी थी। आंखें काबू में रखें अपनी, मिराज सही हूँ आपकी। सीनिया की धीमी आवाज से बलाज को बहुत कुछ समझा और बता गई थी। और कौन कहता है कि हदूद कायम करने के लिए ऊंची आवाज से झगड़ा जरूरी होता है। बलाज ने गहरी सांस भरी, चेहरे पे हाथ फेरा। क्या हो गया है जैनी? अच्छा, आई एम सॉरी, आओ बैठो कर बात करें। उससे करीब रखी चारपाई की जानिब इशारा किया। जीनिया ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र उससे जरा फासले पे बसाए कॉल पे बात करते अब्बा को देखा। वो उसी तरफ देख रहे थे। कॉल बस एक बहाना था। उनके खानदान में यूं कजन से बातचीत करना बुरा समझा जाता था, लेकिन अब्बा बुरा क्यों नहीं मना रहे थे उससे ताज्जुब नहीं था। आप बैठे, मेहमान है, मैं चाय लाती हूँ। वो धीमी पड़ गई थी। अब्बा के खानदान में सिर्फ चंद घर ही थे जो उनसे मिलने आते थे। बलाज उनका भतीजा था, उनकी बहन का बेटा, वो बहन जो कई साल बाद अब दोबारा तल्लुक जोड़ने आई थी, वो बेटा जिसमें दमार नजर आता था। उसे नाराज करना मतलब अब्बा को नाराज करना। और सीनिया हाकिम अब्बा को कम से कम इस जिंदगी में नाराज नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद बलाज चारपाई पे बैठा था और सीनिया सामने दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। बलाज अपनी यूनिवर्सिटी का कोई किस्सा सुना रहा था। सीनिया मुस्कुराते हुए सुन रही थी। वो बुरा नहीं था, बस उसे अच्छा बनना नहीं आता था। तुम्हें पता है जैनी, मैं कुछ अरसे बाद सऊदी अरब जा रहा हूँ। एक कंपनी है, उसमें जॉब के लिए अप्लाई किया है, बहुत जल्द जवाब आने वाला है। जीनिया उसके बात सुनते हुए साथ वाले घर के दरख्त को देख रही थी, जिसकी आधी शाही उनके घर आती थी। उस दरख्त पे एक घोंसला था, कोई सांप था शायद, जिसे देखकर चिड़ियों ने शोर मचा दिया था। और अगर जवाब ना आया तो मेरा मतलब है ऑप्शंस तो होंगे ना। बलाज की मुस्कुराहट इस बात पे गायब हुई थी। अब वो ठहर कर उसे देखने लगा। सीनियर समझ गई कि उसे कुछ बुरा लगा है। बुरा मत बनाओ बलाज, हम बच्चे नहीं हैं जो एक दूसरे को तसल्लियाँ दें। इंसान के पास सेकेंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, अगर जॉब ना हो सकी तब आप क्या करेंगे। बलाज के तासुरात अब के नरम पड़े थे। असल में मैंने सोच रखा है, बलाज अब कहने लगा था। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ लाहौर में पढ़ता था, 2 साल पहले वो सऊदी चला गया था। अच्छा खासा कारोबार है उसका, वो मुझे अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन उसने मुझसे 10 लाख का कहा है। वो बोलते बोलते रुका था। एक नज़र गौर से उसको देखती सीनिया को देखा। तुम तो जानती हो, अब्बा ने हमारी सारी जायदाद उड़ा दी, नशे और जुए की लत। अम्मा अपना हिस्सा भाइयों से पहले ही ले चुकी हैं, ऐसे में बहुत परेशान हूँ मैं। और यहाँ इस मुकाम पर सीनिया हाकिम को कड़ियाँ मिलाने में 1 मिनट नहीं लगा था। अब्बा के 20 लाख, दोनों बहनों का जहेज, ओ खुदाया, वो इतनी चालाक क्यों थी? क्यों उसका दिमाग इतना तेज काम करता था? क्यों उसे धोखा खाना नहीं सीखा था? वो उन लोगों में से थी जिनको धोखा मिलने से पहले ही वचतान मिला करता था। वो
जिनके लिए उनकी अकल अजाब थी। यकदम चिड़ियों का शोर इस हद तक बढ़ गया कि ज़ीनिया को अपने दिमाग की रखें दुखती महसूस हुई। तुम कुछ कहोगी नहीं? बलाज ने उसे उम्मीद से देखा। ज़ीनिया की आंखें सुर्ख होने लगी थीं। चिड़ियों का शोर कानों में बेसुरे सांस की तरह बज रहा था। जो आप चाहते हैं और जो आपकी अम्मा चाहती हैं वो नहीं होगा, कभी भी नहीं। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तपिश तर आई थी। बलाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मुस्कुराया था। ज़ीनिया, मैं तो तुम्हारी मुश्किलात आसान कर रहा हूँ। हमारी शादी तुम्हारे अब्बा की मुसीबत खत्म कर देगी, और जिसका इंतजार तुम कर रही हो वो नहीं आएगा। उसकी आखिरी बात पे ज़ीनिया के दिल को धक्का लगा था। दिल के जख्म ताज़ा हुए थे, उससे बेहतिया हिद्दत महसूस हुई थी, या फिर दिल दुखा था। और अगर दिल दुखा था तो बहुत बुरी तरह दुखा था। दीवार से लगी कमर दुख रही थी, थक रही थी, शिद्दत से जी चाह था बैठ जाए, गिर जाए। बलाश कह रहा था, हम बच्चे नहीं हैं ज़ीनिया, जो एक दूसरे को तसल्ली दें। इंसान के पास हमेशा दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। वो कहाँ किस अंदाज में ज़ीनिया को उसके अल्फाज लुटा रहा था। काश वो उसका मुंह नोच लेती। अब्दुल्ला नहीं आएगा। बलाज की एक बात और ज़ीनिया को अपना दिल हाली होता महसूस हुआ। रक्त पे बैठी चिड़ियाँ खामोश हो गई थीं, शांत, बिल्कुल चुप। शायद मातम करने का कोई अलग अंदाज, सकूत सा सकूत था। दीवार से लगी कमर बेहद थक रही थी। अब्दुल्ला उसे थका रहा था। अब्दुल्ला आएगा? उसके लबों से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। आंखें बुरी तरह चलने लगी थीं। वो नहीं रोएगी, ये तो तय था, लेकिन उसे रोना आएगा, ये भी कुदरत थी। वो नहीं आएगा ज़ीनिया, और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहा। मैं जानता हूँ तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी, तुम बहुत मजबूत हो। तसल्ली देने के अंदाज में कहता वो चंद पल उसके सामने खड़ा रहा, और फिर वो आगे बढ़ गया था। मैं मजबूत हूँ, उससे दोहराया। जुबान कह रही थी, दिल साथ नहीं देता था। मैं मजबूत हूँ, उससे एक बार फिर दोहराया, और बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई बगैर किसी दीवार के सहारे के। आंखें सुर्ख थीं, दिल जख्मी, लेकिन वो खड़ी थी मजबूती से। मैं मजबूत हूँ, अब की बार दोहराते हुए बेबसी सी थी। वो इतनी मजबूत थी कि उसे देखकर तरस आता था। इस्लामाबाद। हेलो नाइटमेयर। कैसे कमरे के दरवाजे पे खड़ा मेहदी मुस्कुरा कर कह रहा था। बेड पे नींद दराज कैसे हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखी। सिया आंखें अब न गुस्से में थी न तकलीफ सदा, वो नॉर्मल था। टी शर्ट के साथ आरामदेह ट्रॉसर पहने वो रफ से हुलिये में था, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा अब तक तो मेरी यह मौजूदगी को कबूल कर चुके होगे, इसलिए मैं एक बार फिर चला आया। हाथ में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग सामे वो अंदर आ रहा था। सब सांखें मुस्कुरा रही थीं। कैस उसे खामोशी से अपने तरफ आता देख रहा था। अब कि वो वाकई उसकी मौजूदगी को कबूल कर चुका था। मेहदी बैठ के एक कोने पे टिक गया, हाथ की बंद मुट्ठी कैस की जानी बढ़ाई। कैस संजीदगी से उसे देखता रहा। हेलो नाइटमेयर, हेलो ग्रीन वुंड। दोनों की मुट्ठी एक साथ टकराई थी। कैस सीधा हो बैठा, नरम आंखों से उसे देखा। कुछ देर कभी जो कुछ तुमने कहा मैं उसे तुम्हारा ज़हनी आरज़ा समझूंगा। मेहदी ने उसकी बात को हवा में उड़ाया। हालांकि तुम्हें मान लेना चाहिए कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम एक सब्ज कदम इंसान हो, मेरे खानदान के कातिल, और मुझे इस हाल तक पहुँचाने वाले। ठंडा बर्फ जैसा लहजा था उसका। हर 4 घंटे में एक कॉल और हर 2 घंटे में एक मैसेज करके ये मालूम करना कि मेहदी जिंदा तो है ना, इसे फिर क्या समझूं मैं? मेहदी संजीदा था। गलत फहमी। कैसे दो लफ्जी जवाब दिया। मेहदी ने खुद को फेंकने के अंदाज में बेड पे गिरा दिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया नाइटमेयर। अब की उसकी आवाज़ हल्की थी, आंखें छत पर टिकी थीं। यकीन करो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे कंधे उचकाए। बल्कि क्या पता मैंने तुम्हें मारने को आदमी भी भेजे हों, लेकिन तुम्हारी सब्स कदमी उनको खा गई हो। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका। मेहदी के सेन में यकदम एक चमक्का सा हुआ था। रात का आखिरी पहर, सफ़ेद घर, मुतकब इमारतें, सर्द बत्तियाँ, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम अपने खानदान में किसी को भी नहीं मार सकते नाइटमेयर। मेहदी की आवाज़ कहीं दूर से आई थी। तुम ठीक कहते हो, मैं नहीं मार सकता, लेकिन मरवा तो सकता हूँ ना। जाने वो क्यों बाजिद था। मेहदी के चेहरे पे साया लहराया था। वो एक झटके से उठ बैठा, दिल भारी सा होने लगा था। उससे एक नज़र कैस को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। अगले ही लम्हे मेहदी ने सर झटका। तुम मुझे नहीं मार सकते, उससे गोया यकीन दिलवाया था, और साथ ही अपने सामने
रखें, शॉपिंग बैग्स गैस के सामने उठा कर रखें। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। गैस से एक नज़र बैग्स को देखा, फिर उसे और फिर बैग्स में हाथ डालकर सामान बाहर निकाला। कफलिंग्स, एक और कफलिंग्स और फिर एक और कफलिंग्स। तीनों छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स में लाखों की मालियत वाले कफलिंग्स थे। गैस को कफलिंग्स पसंद थे, हद से ज़्यादा पसंद। उसे ये कफलिंग्स लगाना पसंद नहीं था, वो बस उन्हें जमा करने का शौकीन था। अक्के मेहदी ने अपनी जेब में हाथ डालकर चंद सिक्के बरामद किए थे, मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्के। गैस सब मुस्कुराया था, ये उसका दूसरा शौक था, मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज जमा करना। मेहदी जब भी किसी नए मुल्क जाता, वहाँ की करेंसी ज़रूर साथ लाता। गैस की हथेली पर सिक्के रखते हुए उसका हाथ गैस के साथ टकराया था। गैस को यूं लगा जैसे किसी अंगारे ने उसे छू लिया हो। मेहदी का जिस्म तप रहा था, सिक्के चोर चार गैस फौरन सीधा हो बैठा था। क्या तुम बीमार हो? बुखार है तुम्हें? वो परेशानी से उसकी परेशानी छू कर देख रहा था। ओ खुदाया मेहदी, तुमने बताया क्यों नहीं? वो मेहदी का माथा छू कर देख रहा था तो कभी गर्दन। यकदम उसका दिल उछल कर हलक में आया था। ये गैस का खानदान था और यह हल्का बुखार और जुकाम भी नाकाबिले कबूल था। कुछ देर बाद वो दोनों मेहदी के कमरे में थे। ये कमरा गैस के कमरे से मुख्तलिफ था, बेहद मुख्तलिफ। ऊपरी ईंटों वाली दीवारें जिन पर गहरे रंग का पेंट था। दाई जाने वाली दीवार पर मेहदी की तस्वीर टंगी थी। बचपन ममालिक की मुख्तलिफ जगहों पर सियाहत के मजे लूटता मेहदी। बाई जाने वाली दीवार के साथ एक स्टाइलिश रैक था जिस पे चंद मेडल्स, फ्रेमशुदा तस्वीर, फिर मुख्तलिफ मुल्कों से लाई जाने वाली नवादरात रखी थी। उसी दीवार के अहतमाम पे क्लोज़ेट का दरवाज़ा था जिसका दौरा हम फिलहाल मुलतवी किए देते हैं। कमरे के बीचों बीच ज़मीन की तरफ झुका हुआ बेड था जिसके ताज के ऊपर मुख्तलिफ पेंटिंग्स टंगी थी। सामने वाली दीवार पर दीवार की टीवी और टीवी के एन सामने अखबारों के कवर वाला सोफ़ा। कमरे की सेटिंग पे चारों ओर फेरी लाइट्स लगी थीं जिनकी हल्की नीली रोशनी कमरे की रौनक बढ़ाए हुए थी। मेहदी अपने बेड पर लेटा था, लिहाफ सीने तक ओढ़ रखा था। कार बुखार की हिद्दत से तप रहे थे। गैस उसके सामने खड़ा था, तफ्तीशी नजरों से उसे देखता हुआ। तुम्हारा बुखार कितना पुराना है? शायद एक डेढ़ हफ्ता हुआ है। सेंट्रोनी में वबा फैली हुई है, मौसमी जुकाम बुखार सबको ही था। गैस से हाथ में पकड़ी चंद टैबलेट्स को एक नज़र देखा और फिर फेंकने के अंदाज में उसके सीने पर दे मारी। मेहदी ने नकाहत से आंखें बंद की। इन्हें खा लो, सुबह तक तुम मुझे फिट चाहिए हो, समझ आई? मर नहीं सकते तुम। तो साबित हुआ कि खानदान में किसी की मौत गैस का खौफ था। वो जितना खुद को बेसार जाहिर कर रहा था उतना था नहीं। मेहदी ने जुकाम ज़्यादा सांस अंदर खींची। मैं एक हफ्ते से दवाई खा रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा, शायद मलेरिया है। कहते साथ वो कराहा था, बुखार से बदन टूट रहा था, कंधे भारी हो रहे थे, उसकी सुर्ख आंखें अब जल रही थीं। गैस यूं ही खड़ा रहा, बेतासुर सर चेहरा लिए, अलबत्ता दिल 1000 बार डूब डूब रहा था। अगले 6 माह तक तुम मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। गैस के ऐलान पर मेहदी भुचंक कर रह गया। उससे उठने की कोशिश की लेकिन नकाहत आड़े आ गई। मेहदी का सूटकेस बेड के कोने पे खुला पड़ा था। गैस अब उसके सामान उलट पुलट रहा था। उसके चेहरे पे कुछ था गैर आरामदास। तुम ऐसा नहीं कर सकते गैस, पागल हो गए हो क्या? मैं ट्रेवलर आदमी हूँ, घर में कैसे रह सकता हूँ? हैरानी से हैरानी थी, ये अल्फाज हजम करना मुश्किल था। मेरे एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? गैस उसकी सुने बगैर बोला था। मेहदी के कपड़े, मुख्तलिफ सामान अब फर्श पर बिखरा पड़ा था। सामान में आधे से ज़्यादा घड़ियाँ थीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की महंगी महंगी घड़ियाँ। मिसप्लेस हो गए होंगे, साफ जाहिर था कि वो डाल रहा था। एयरपोर्ट्स के नाम पे मेहदी को रात याद आ गई थी। तुम कब से चीज़ें मिसप्लेस करने लगे? साफ साफ बताओ ग्रीन मून, तुम क्या छुपा रहे हो? अगर मैंने पता लगा लिया तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। मेहदी ने गहरी सांस भरी। हाँ मान लिया, तुम 155 प्लस IQ के मालिक हो। माना तुम्हारी मेमोरी फोटोग्राफिक है, तुम दुनिया के जहीन इंसानों में से हो, लेकिन मिस्टर गैस गंभीर, हर बात में शक और हर मामले में तेह ढूंढना छोड़ दो प्लीज। मैं सोना चाहता हूँ, जाओ प्लीज। लिहाफ अपने ऊपर डालते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने गैस था, वो आदमी नहीं था, एक्सरे मशीन था। वो आपका चेहरा देखकर कई मिनट कब्ल होने वाला वाक्य भी बता सकता था। उसे टॉर्च देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मेहदी लिहाफ उड़े लेट गया था।
आंखें मीच रखी थी। कैस चंद लम्हे खड़ा उसे देखता रहा। वो जानता था कुछ है जो छुपाया जा रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कम अज कम मेहदी उसे ये बात नहीं बताएगा। मैं जानता हूं तुम सोए नहीं। कैस ने हांक लगाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ थे, क्या किया, क्यों किया। मैं तुम्हें किसी भी मुल्क भेजता हूँ तो जिंदा भेजता हूँ। तुम मुझे वापसी में भी जिंदा चाहिए हो। अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें मार दूंगा मेहदी। आखिरी लफ्जों में ऐसी सफाकी थी कि लम्हे भर को कोई भी काम जाए। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। पीछे मेहदी ने धीरे से लिहाफ सिरकाया था। उसकी आंखों में मुझसे रात एक बार फिर घूम गई। अगर वो सिर्फ एक रात होती तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो ताकुब कार एक बार फिर आया था और मेहदी अभी याद नहीं करना चाहता था वो कब कब आया था। लिहाफ वापिस ओढ़ते हुए उससे आंखें बंद कर ली। उसे सोना था, लंबी गहरी नींद सोना था। बलूचिस्तान शाम के नीले साए फैलकर स्याह होने लगे थे। हाकिम नवाब के घर में अपने कमरे में मौजूद सीनियाँ बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रही थी। चंद दिन, बस चंद दिन बाद ही तो इस्लामाबाद से एक सियाहती ग्रुप उसके शहर आ रहा था। उसे अब्बा की इजाज़त नहीं चाहिए थी, उसे बस किसी तरह इस घर से निकलना था। सीनिया के पास हमेशा चोर दरवाजे होते हैं। पलंग पे नींद दराज कूंज अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी। ये मोबाइल ही तो उसकी कुल मता था और ये पलंग उसका सिग्नल जोन। हर घर में एक ऐसा कोना जरूर होता है जहाँ आपका इंटरनेट तेज चलता है। पलंग का दाया हिस्सा इस घर का वही कोना था। स्पीकर से किसी की भारी मर्दाना आवाज गूंज रही थी। कैस, आप इस मुल्क के मशहूर डिजाइनर हैं। औरतें आपके बनाए कपड़ों को पहनना अपनी खुशकिस्मती समझती हैं, मर्द आपके ब्रांड को एक लेवल समझते हैं, लेकिन आप खुद सिर्फ और सिर्फ मर्दों के कपड़े डिजाइन करते हैं। आपके बारे में मशहूर है कि आप एक मिसोजिनिस्ट, सेल्फ सेंटर्ड, एंटी फेमिनिस्ट आदमी हैं। आपके पास कोई वजाहत है क्यों आप औरतों को इतना कमतर समझते हैं कि आप उनके कपड़े तक डिजाइन नहीं करते। अगर गूंज के मोबाइल में झांक कर देखूं तो घुंघराले बालों वाला कैस एक स्टूडियो में बैठा था। सफ़ेद रिक्लाइनर्स और दरमियान में रखे शीशे की मेज, आसपास की दीवारें सब्ज थी। उसकी बात पर उसने गहरी सांस ली थी। लोगों का काम तो कहना है, मैं उनकी बातें नहीं सुनता। रही बात औरतों को कमतर समझने की, तो शायद ऐसा हो कि मैं औरतों को कमतर नहीं बल्कि इतना काबिल एहतराम, मुकद्दस और नफीस समझता हूँ। क्या पता मैं उनके कपड़े इसलिए डिजाइन नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। वो होश की आंखों में देखता किस उदितमादी से कह रहा था। वो चंद लम्हों के लिए खुद को देखने पे मजबूर कर सकता था। देखा जीनी, खुआ महा लोग इस बेचारे के पीछे पड़े थे। कूंज ने उसकी बात पे सीधी हो बैठी थी। बेचारे को पता नहीं क्या क्या कह डाला, कैसा जवाब दिया इससे, लोगों की बोलती बंद हो जाएगी अब। वो चहक रही थी। उससे जवाब नहीं दिया कूंज, उससे सवाल के बदले सवाल किया है। उससे तर्दीद नहीं की लेकिन उससे ताहिद भी नहीं की, बेवकूफ़ लड़की। वो बात को अपने कोर्ट में कर गया और तुम लोग समझे ही नहीं। सीनिया के लंबे तबसरे पे कूंज का चेहरा बुझ गया। सर झटक कर एक बार फिर मोबाइल की तरफ चेहरा मोड़ गई। सीनिया भी अपने मोबाइल पे टाइप कर रही थी। वो मुस्बत जवाब दे रही थी। अब उसे किसी सोच विचार की जरूरत नहीं थी। वो जाएगी, ज़रूर जाएगी। पूरे मुल्क में शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहाँ आपके बुटीक चेन ना फैली हो, जहाँ आपका फैशन हाउस नाजरीन शायद जानते नहीं इसलिए हम ना बता सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका एक नाम है, ब्रांड है। कैस कंबीर दो ऑर्डर टेक्सटाइल मिल के मालिक भी हैं और उनकी शराकतदार हैं बराक हनीफ, बेस कलेक्शन के ओनर। सवाल की तरफ आए हो साहब। कैस की शायस्ती से टोकने पे होस की चलती जवानों की थी। सवाल ये है कैस कि आपकी टेक्सटाइल मिल्स और आपके बाकी सारे फैशन हाउसेज में औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कैसिम की मेन ब्रांच में चंद गिनी चुनी खवातीन के अलावा क्यों कोई औरत काम नहीं करती। इस बात से ही आप पे एक मिसोजिनिस्ट होने का इल्ज़ाम लगता है, क्या आप क्लियर करेंगे। कैस मुस्कुराया था। मैं शायद इसे एक इतफाक कहूँगा, एक बेहद बुरा इतफाक। सीनिया ने उस उभरती आवाज़ पर सर को इस्तेज़ाई अंदाज में झटका था। अब यह आदमी तीन चार मजीद बातों का जवाब उसी तरह घुमा फिरा कर देगा ताकि लोग यकीन कर लें कि वो बातें घुमा नहीं रहा बल्कि यही उसका पैटर्न है। वो एक बार फिर मोबाइल पे तेज से टाइप करने लगी थी। कोफ सदा बेसार चेहरा, आदम बेसार। कूंज ने अब के सीनिया को नहीं देखा, उस स्क्रीन को तकी गई। चंद मजीद बातों के जवाब भी वो इसी तरह देता रहा, घुमा फिरा कर अल्फाजों को जैसा चाहा मोड़ दिया। जहाँ जहाँ चंद हीरे मोती लगाकर मजीद खूबसूरत पेश कर दिया। जहाँ जहाँ कपड़े
की मानिंद कुतर दिया। कैस को झूठ से नफरत थी, वो बस बातों को अपनी मर्जी का मतलब देता था। अगले चंद साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? उसके सवाल पे वो चंद लम्हे के लिए कुछ नहीं कह सका। सीनियर के टाइप करते हाथ भी थम गए थे। ये एक अजीब लम्हा था। ये लम्हा कैस के लिए नहीं था, ये लम्हा सीनियर के लिए भी था। अगर सुनना चाहो तो ये लम्हा तुम्हारे लिए भी है। चंद पल खामोशी। कैसे मुस्कुरा कर कैमरे को देखा। सीनियर ने आसूदगी से आंखें मुन्नी। चंद लम्हे बीते, चंद सातें गुजरी और फिर दोनों ने बायक वक्त एक ही तरह की तवानाई से एक ही जैसा जवाब दिया। बुलंदियों की समझ, क्योंकि मुझे उसी के लिए बनाया गया है। ये जवाब सिर्फ कैस की जानिब से नहीं था। जीनिया भी आंखें बंद करके ही बड़बड़ाई थी। क्या तुमने ये नहीं दोहराया? कोच बेख्तियार चौंकी थी और पलंग पर सीधी हो बैठी। चूंकि तो जीनिया खुद भी थी। जहनी, तुमने ये इंटरव्यू देख रखा था? झूठ मत बोलना मुझसे। जीनिया ने एक नज़र कोच को देखा और फिर इंस्टाग्राम पे अपने बायो के ऑप्शन को वो अपने अकाउंट की सेटिंग कर रही थी। उसे बेख्तियार खिफ्त महसूस हुई। मैंने नहीं सुन रखा, मैं तो इस आदमी को भी नहीं जानती। वो वाकई सच कह रही थी। उसके चेहरे पे हल्की सी हैरानी भी थी। तो फिर तुम्हें कैसे ये पता क्या कहने वाला था? कुछ बात की तह तक पहुँचे बगैर कैसे खामोश हो जाती। जीनिया बार बार कुछ टाइप करती और फिर उलझ कर मिटा देती। लंबी सफ़ेद उंगलियाँ बेचैन थी। आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड। कुछ खामोश हो गई थी। सीनिया की उंगलियाँ हरकत में आ गई। ना जाने क्यों किस ख्याल के तहत उसने बायो में लिख डाला, बुलंदियों की समेत, क्योंकि मुझे उसी के लिए बनाया गया है। इस्लामाबाद। गंभीर महल में सन्नाटा था। सारे लोग शायद सोने चले गए थे। ऐसे में दूसरी मंजिल की राहदारियों में कोई हेवला सा चलता दिखाई दे रहा था। सिल्क के नीले शबख्वाबी के लिबास में मलबूस घुंघराले बालों वाले मर्द ने फोन कान से लगा रखा था। दूसरी जानिब उसकी सेक्रेटरी थी, हरदीपा नवाज। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है सर, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। बल्कि मैं तो बेहद खुश हूँ। औरतों के मुतल्लिक आपकी राय? मेरी राय औरतों के बारे में आज भी वही है। औरतें एक नखरे पास, कम अकल और ड्रामे पास मखलूक हैं, जिनको अगर काम पे रखो तो आए दिन नए बहाने साथ लाती हैं। उन पे लगा नाजुक का स्टिकर उन्हें काम करने नहीं देता। वो कहते हुए राहदारियों में मुड़ता जा रहा था। सिल्क का लिबास साथ साथ लहरा रहा था। माथे पे शिकन अंदाज में नागवारी थी। फिर आपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा, क्या वो झूठ था? अदीबा को सदमा ही तो लगा था। कैस कभी झूठ नहीं बोलता। कैस बातों को अपनी मर्जी के रंग देता है। अगर आपको उर्दू से इतनी नफरत है तो फिर आपने मुझे नौकरी पे क्यों रखा? हदीबा खफा थी। तुम्हें तुम्हारे मर्दाना नकोश की वजह से रखा है। हदीबा कम हबीब ज्यादा लगती हो। उससे कहते हुए कॉल काटी। जबकि हदीबा अगले चार रोज एक को पकड़ कर अपनी खूबसूरती के चर्चे करवाएगी। राहदारी में गुजरते हुए कैस एक जगह रुका था। वो मेहदी के कमरे का दरवाजा था। एक गहरी सांस फिसा में खारिज करते हुए उसे लकड़ी का भारी दरवाजा धकेला था। कमरा एसी की ठंडक से शक हो रहा था। कैसे बेख्तियार जूझ ली थी। नीली रोशनी में उससे बेड की समेत देखा। मेहंदी ऊंधे मुंह बेड पे लेटा था। कैस कदम कदम चलता आगे आया था। बेड के करीब पहुंचकर उसने साइड टेबल पे रखा एसी का रिमोट उठाया, बटन दबाकर ठंडक कम की। अब उसने बेड पे पड़ी टैबलेट से ही वो साबित थी। उनमें से एक गोली भी नहीं खाई गई थी। यकदम कैसे अपने माथे कुछ हुआ। फिर झुककर नीली रोशनी में नीले पड़ते मेहदी के माथे पे हाथ रखकर देखा। उसका माथा ठंडा था, बर्फ जैसा। कैसे उसे सीधा करके लिटाया, फिर घुटने के बल उसके करीब आकर बैठा और एक बार फिर उसका माथा छूकर देखा। सात गर्दन, वो ठंडा पड़ रहा था, बर्फ जैसा ठंडा। कैसे अपना कांपता हाथ उसके सीने के मुकाम पे रखा और फिर वो अपना हाथ खींच नहीं सका। उसके दिल की धड़कन साकिन थी, खामोश, नल। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। उसका दिल बंद हो चुका था, जिस्म ठंडा पड़ चुका था, आंखें ऐसे बंद थीं जैसे कोई मुर्दा। कैसे ऐसे ही से अपना हाथ पीछे किया, आंखें नी मुर्दा हो गई थीं। एक पल के लिए वो सांस नहीं ले सका। ऐसे ही से पीछे होते हुए वो बेड क्रोन के साथ लग चुका था। आंखें अभी मेहंदी के वजूद पे जमी थी। उसके जिस्म में कोई जम्बिश नहीं होती थी। कैसे दोनों टांगें ऊपर किए, घुटने सीने से लगा लिए, घुंघराले बाल बिखर गए थे। मेहदी मर गया अब्बा, मेहदी मर गया। वो ऐसा ऐसा दोहरा रहा था। 32 साल मर्द 3 साल बच्चे की माने दोहरा रहा था। होप से, बेयकीनी से, बेबसी से।
मेहदी मर गया। तुम मर नहीं सकते मेहदी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। यकदम उसे जैसे होश आया था, उससे आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसी लम्हे बेड के ऊपर रखा शीशे का ग्लास जमीन पे गिरकर छनाके से टूटा और उसी लम्हे गैस साकित हो गया। सारी दुनिया की आवाज़ें बंद हो गईं, सारे मनासे धुंधले हो गए। आवाज़ें, ऐसी ही आवाज़ें उसे हाल से माजी मिली जाया करती थीं और गैस का माजी बहुत बुरा था। लाशें, खून, चीखें, फैलती दूर तक जाती आग, उसके अब्बा अम्मा और वो मर रहे थे। गैस उन्हें बचाना चाहता था लेकिन वो साकिन था, उसका वजूद जमूत का शिकार था। गैस ने अपने खानदान के एक और फर्द को खो दिया था।